इस्लाम को हुजूर सैयद सालार मसूद गाजी रहमतुल्लाह ताला अलैह का उर्स और हजरत मखदूम खादिम सा सफ़ी रहमतुल्लाह ताला अलैह का उर्स मुबारक बहुत दास्ताना है। सभी पर की इस सरजमीन पर लातादाद औलिया इकराम जो है वो मौजूद है। ये इधर हजरत मखदूम सा सफ़ी रहमतुल्लाह ताला अलैह का आस्थाने के बिल्कुल पीछे जो जगह पड़ी होती है वहाँ पर तमाम जो है ये मेला सस्ता है हर तरफ जो है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं उन्नाव के सफीपुर में और यहीं पर हजरत मखदूम खादिम सा सफ़ी रहमतुल्लाह ताला अलैह का जो उर्स मुबारक है वो हो रहा है। उसी के सबब जो है यहाँ पर तमाम मार्केट सजी हुई हैं और आज 26 जनवरी को जो है हुजूर सैयद सालार मसूद गाजी रहमतुल्लाह ताला अलैह का भी जो उर्स मुबारक है वो भी है। तो तमाम मामले में इस्लाम को हुजूर सैयद सालार मसूद गाजी रहमतुल्लाह ताला अलैह का उर्स और हजरत मखदूम खादिम सा सफ़ी रहमतुल्लाह ताला अलैह का उर्स मुबारक बहुत बहुत मुबारक हो। हजरत खादिम सा सफ़ी रहमतुल्लाह ताला अलैह का जो ये उर्स मुबारक है ये 13, 14, 15, 16 रजब तक चलेगा। ये हजरत मखदूम सा सफ़ी रहमतुल्लाह ताला अलैह का आस्थाना है जो कि यहाँ पर बना हुआ है और उसी के बगल में ही हजरत खादिम सा सफ़ी रहमतुल्लाह ताला अलैह का आस्थाना है और उन्नाव की कदीम तरीन बस्ती है सफ़ीपुर। और आप देख सकते हैं कि किस तरह का एक मार्केट जो है वो यहाँ पर लगा हुआ है। इस साइड जो है हजरत खादिम सा सफ़ी रहमतुल्लाह ताला अलैह का आस्थाना है, इधर हजरत मखदूम सा सफ़ी रहमतुल्लाह ताला अलैह का आस्थाना है। सभीपुर की इस सरजमीन पर लातादाद औलिया इकराम जो है वो मौजूद है। ये इधर हजरत मखदूम सा सफ़ी रहमतुल्लाह ताला अलैह का जो है वो आस्थाना है। उसका वक्त है, तमाम ज़ायरीन जो है इस वक्त वो यहाँ पर मौजूद हैं। ये इधर जो है हजरत खादिम सा सफ़ी रहमतुल्लाह ताला अलैह का आस्थाना जो है वो बना हुआ है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हजरत खादिम सा सफ़ी रहमतुल्लाह ताला अलैह का आस्थाना है और हजरत बंदकी शेख मुबारक रहमतुल्लाह ताला अलैह के आल के जो है वो आप बुज़ुर्ग हैं। आप देख सकते हैं ये वो एंट्रेंस गेट है हजरत खादिम सा सफ़ी रहमतुल्लाह ताला अलैह के आस्थाने का। समय हजरत खादिम सा सफ़ी रहमतुल्लाह ताला अलैह का आस्थाना है। ये आस्थाने के सहन के अंदर का कुछ नज़ारा है और जो महफिल समा है वो इस वक्त यहाँ पर अहतमाम की जा रही है। तमाम लोग जो है उसे समात फरमा रहे हैं।
रहा है, इस समय जो है महफिल समा का इनकाद हो रहा है और ये सामने जो है हज़रत खादिम शाह सफ़ी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के बिल्कुल सामने जो है हज़रत मखदूम शाह सफ़ी रहमतुल्लाहि ताला अलैह का आस्थाना है और सफ़ीपुर के सबसे कदीमी बुज़ुर्ग जो है वो हज़रत मखदूम शाह सफ़ी है। और मैं अभी आपको यहाँ के मार्केट का नज़ारा दिखाऊँ कि क्या क्या यहाँ पर मौजूद है और कितना बड़ा जो वो एक मेला है वो यहाँ पर लगता है। इस तरफ भी दुकानें हैं, इस तरफ भी तमाम दुकानें जो है वो मौजूद हैं। खादिम शाह सफ़ी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के आस्थाने के बिल्कुल बगल से आएंगे तो ये रास्ता जो है हज़रत मखदूम शाह सफ़ी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के आस्थाने की तरफ जाता है। और हज़रत खादिम शाह सफ़ी रहमतुल्लाहि ताला अलैह जो है वो अल्लाह के बहुत ही बरगजीदा वली हुए हैं और बचपन से ही आप इबादत व मुजाहिदात में जो है वो मुबतला रहा करते थे। इस तरफ भी देखिए तमाम दुकानें जो है लगी हुई हैं, जो लोग हैं वो इस साइड से आ रहे हैं और इसी तरफ जो है हज़रत मखदूम शाह सफ़ी रहमतुल्लाहि ताला अलैह का जो है आस्थाना बना हुआ है। और सफ़ीपुर के अंदर जो है ऐसे लातादाद औलिया इकराम जो है वो यहाँ पर आपको देखेंगे। तमाम बारगाहें जो है वो हर जगह आपको देखने को मिलेंगी और तमाम बड़े बड़े बुज़ुर्ग औलिया इकराम जो है वो सफ़ीपुर की इस कदीम बस्ती में हुए हैं। और मैं अभी आपको पीछे का साइड व्यू दिखाऊँगा फ्रंट साइड से, वहाँ पर भी जो है वो मार्केट जो है वो लगा हुआ है और तमाम दुकानें जो है वो वहाँ पर भी मौजूद हैं। सफ़ीपुर के तमाम कोनों में जो है उस वक्त जो है ज़ायरीन मौजूद हैं और हर तरफ जो उसका है वो माहौल है और 3 से 4 दिनों तक जो है ये उर्स का मेला चलता है। और ख्वाजा ख्वाजगान फ़ख्र हिंदुस्तान नायबुलनबी फ़िल हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाहि ताला अलैह के आस्थाने पर तमाम ज़ायरीन जो जाते हैं वो लौट करके जो बसें जाती हैं वो भी हज़रत मखदूम शाह सफ़ी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के इस सफ़ीपुर में तशरीफ़ लाते हैं और खादिम शाह सफ़ी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के उर्स में जो तमाम लोग हैं वो शिरकत करते हैं। और यहाँ से वहाँ तक बहुत सी दुकानें जो है वो तमाम लगी हुई हैं। अभी हम मेले के बैक साइड में हैं और वहाँ से दिखाऊँ क्या मेले में क्या क्या मौजूद है। आप देख सकते हैं कि तमाम चीज़ें जो है खरीद फरोख्त वो इस मेले में मौजूद हैं। और हज़रत मखदूम शाह सफ़ी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के आस्थाने के बिल्कुल पीछे जो जगह पड़ी होती है वहाँ पर तमाम जो है ये मेला सस्ता है। हर तरफ जो है तमाम खरीद फरोख्त की चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। आप देख सकते हैं तमाम ये बैग्स वगैरह जो है वो इस मेले में जो मिल रहे हैं। और उस साइड भी जो है कई दुकानें लगी हुई हैं। इधर भी ये जो है वो मार्केट सजा है तो मैं इधर भी आपको दिखाने की कोशिश करूँ। इधर भी एक छोटा सा मार्केट लगा और ये जो इधर है मखदूम शाह सफ़ी रहमतुल्लाहि ताला अलैह का आस्थाना है और बिल्कुल आस्थाने के पीछे जो है ये तमाम सामान आपको जो है वो देखने को मिल जाएंगे। देखेंगे कि ये छोटा सा मार्केट हर तरफ लगा है और ख़रीदो फरोख्त के वो तमाम सामान जो है वो यहाँ पर लगे हुए हैं। बिल्कुल आप देखेंगे तमाम हर गलियों में जो है आज तमाम ज़ायरीन जो है मौजूद है। 3 से 4 दिनों तक जो है ये मेला चलने वाला है जिसमें दूर दराज के तमाम लोग जो है वो शिरकत के सबब जो है वो तशरीफ़ लाते हैं।